गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी से 12 क्लास की अंतरा भाग एक से मैं आप लोगों को दोपहर का भोजन पढ़ा रही थी। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि सिद्धेश्वरी अपने परिवार को कैसे जोड़ती है और घर एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो स्थिति है उसको इस पाठ में दर्शाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हुए इसके अंतिम भाग को देखेंगे। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से घर की स्थिति बहुत दयनीय है। कुछ रोटी हैं, कुछ चने की सब्जी है और दाल बनी हुई है और सब दो दो एक एक करके रोटी और दाल खा रहे हैं। सिद्धेश्वरी उनको पूछती है कि एक और चाहिए, लेकिन वो जानती है कि उसके पास रोटियाँ बहुत कम हैं और घर के भी लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि माँ के पास रोटी कम है, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं नहीं नहीं पेट भर चुका है। तो बड़ा बेटा खाकर चला गया, मोहन भी आया और मोहन भी खाना खाकर निकल गया। अब चंद्रिका प्रसाद जो सिद्धेश्वरी के पति हैं वो भी आते हैं दोपहर के भोजन के लिए। दो रोटियाँ, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पलथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुबला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है, यानी कि एक छोटे छोटे टुकड़े को वो बहुत चबा चबा कर खा रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि हाँ पेट मेरा भर रहा है, क्योंकि रोटियां बहुत कम हैं। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी, यानी कि बहुत दयनीय स्थिति थी, कपड़े भी बहुत तार तार हो चुके थे। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को ज़रा और ज़ोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान हैं। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई, शर्माते हुए पूछा, ए क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान हैं, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है, आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है, दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता है कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे, उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो, यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी डेढ़ रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे, कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांस कर खाने लगे।
फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक की आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडू लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में ना जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे, जैसे पिछले दो दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया। बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है, तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हड़िया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, ये कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी। मोटी भद्दी जली उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एक तक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब ना मालूम कहां से उसकी आँखों में आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कोई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे डेढ़ महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को
उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि सिद्धेश्वरी किस तरह से अपने परिवार को बांधने की कोशिश करती है। इस भाग में अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन पाठ में निर्धनता से जूझ रहे एक परिवार की व्यथा का वर्णन किया गया है। इस कहानी में यही हम लोगों ने देखा कि निर्धनता एक परिवार की नहीं अपितु गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले सभी परिवारों की है। परिवार की गृहस्वामिनी यहाँ पर कौन है? सिद्धेश्वरी है। और सिद्धेश्वरी समस्त पीड़ा को पचाकर जिस प्रकार सभी सदस्यों को बांध कर रखने का प्रयास कर रही है, यह वह पाठ को प्रभावित करती है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि सिद्धेश्वरी बड़का आता है खाना खाने के लिए, तो वो कहती है कि मोहन बड़ी तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था, है ना, बोल रहा था मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे हैं। फिर जब मोहन खाना खाने आया तो उस सिद्धेश्वरी ने कहा कि जानते हो मोहन, बड़का तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था। फिर पिताजी आते हैं मुंशी जी खाना खाने, तो अपने दोनों बच्चों को बोलते के बारे में बताती है कि आपकी बड़ी बड़का तारीफ़ कर रहा था कि बाबूजी देवता हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि एक परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास कौन कर रहा है? सिद्धेश्वरी कर रही है। हम लोगों ने इस पाठ में ये भी देखा कि इस कहानी में 5 पात्र हैं, जिसमें से मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो हैं वो किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क का काम करते थे, लेकिन छटनी में वो छट गए हैं, इसलिए घर की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। उनका बड़ा लड़का है जिसका नाम है रामचंद्र, जो 21 वर्ष का युवक है और स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम सीखता है। और दूसरा बेटा है मोहन, मंझला बेटा मोहन है, जो 18 वर्ष का है और हाई स्कूल में प्राइवेट परीक्षा देने का काम कर मतलब देना है उसको। और तीसरा बेटा है प्रमोद, छोटा बेटा, जो 6 वर्ष का है। और सिद्धेश्वरी इस पार्ट में गृहस्वामिनी है, जो सबको जोड़ने का प्रयास करती है। भयंकर निर्धनता है उस घर में और बहुत ही मुश्किल से उसमें परिवार के लोग जी रहे हैं। और सिद्धेश्वरी भी यह कल्पना कर रही है कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद को फिर कहीं नौकरी लग जाए, जिससे कि घर की स्थिति सुधरे। तो हम लोगों ने इस पाठ में एक मध्यम वर्गीय परिवार की दशा को देखा है और आगे मैं दूसरे लेसन को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। कोई भी दिक्कत होने पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं सप्ताह में या मंथ में किसी एक दिन आपसे ऑनलाइन रहूँगी और उस ऑनलाइन के अंतर्गत आपके जितने भी प्रश्न हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।